राजपुर नाम का एक गांव था। रात के 11 बज रहे थे और शारदा और बेटा रमेश दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। रमेश की पत्नी तमन्ना गर्भवती थी। वो सारा दिन सुबह से शाम तक काम करती रहती, इसलिए वो थक गई थी। तो वो बेड के पास में नीचे ही मेट बिछाकर लेट गई और बेड पर उसकी 6 साल की बेटी सो रही थी, जिसका नाम अनु था। और तमन्ना को उसका पति और सासू माँ दोनों ही उससे बहुत काम करवाते थे और उसे मारते पीटते भी थे, तो उसे बहुत बुरा लगता। इसलिए वो मन ही मन कहती हैं, हे भगवान, अगली बार जब मुझे जन्म दीजिएगा तो मुझे औरत मत बनाएगा और पुरुष रूप में भी जन्म मत देना भगवान जी, मुझे कोई जानवर ही बना देना। और ऐसा ना हो पाए तो हे प्रभु, मुझे अमीर लड़की बना के जन्म देना, ताकि दहेज की वजह से इसे सास और पति से इसे लांछन ना सहना पड़े और एक रानी जैसी जिंदगी हो, जो कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रार्थना करके तमन्ना अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। थकी हुई तमन्ना को आंखें बंद करते ही नींद आ जाती है। फिर सोफे पर बैठी शारदा घड़ी की तरफ देखती है। घड़ी में 11:05 हो रही थी। फिर माँ और बेटा धीरे धीरे बेडरूम में जाते हैं, जहाँ तमन्ना सो रही थी और बिस्तर पे अनु गहरी नींद में थी। फिर शारदा और रमेश दोनों जाकर ये भी जांच करते हैं कि तमन्ना सच में सो गई या सोने का नाटक कर रही है। फिर पता चल जाता है कि तमन्ना गहरी नींद में है। तभी शारदा कहती है, बेटा रमेश, तुम इसके पैर पकड़ो, मैं इसका गला दबाती हूँ, सांस ना लेने की वजह से ये मर जाएगी, हम इसे नदी में फेंक आएंगे। माँ, हम अपना हाथ नहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कई दफे उंगलियों के निशान हाथ में रहे जाते हैं। अगर लाश पुलिस के हाथ लग गई तो हम पकड़े जाएंगे और जेल भी जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। मैं एक तकिया लेकर उसके पैरों को दबाता हूँ और तुम दूसरा तकिया लेकर उसका मुंह दबा दो। ऐसा कहकर रमेश एक तकिया लेता है और दूसरा तकिया अपनी माँ शारदा को देता है और फिर धीरे धीरे तमन्ना के मुंह पर तकिया रखने वाले ही होते हैं। उससे पहले ही तमन्ना को जाग आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि वो दोनों माँ बेटा उसे मारने वाले थे। ज्यादा दहेज के लिए आप लोगों ने मुझे मारा पीटा, खाना नहीं दिया, ये सब कुछ मैंने सह लिया, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बेटी को 2 वक्त बस खाना दे रहे हो, पर आज आप लोगों को मेरी जान लेने में थोड़ी भी झिझक नहीं हुई, ये जानते हुए भी कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, डॉट, इसके बाद भी मेरा यहाँ रहना सही नहीं होगा, ये बात समझ गई हूँ मैं। और फिर तमन्ना अपनी बेटी को लेकर चली जाती है और रास्ते में बरसात होने लगती है और वो दोनों की पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी कोई महिला उन दोनों को वहाँ बैठे हुए देख लेती है, तो वो उन दोनों को अपने घर ले आती है और वो उससे पूछे कि तुम इतनी बारिश में कहाँ जा रही थी, और फिर तमन्ना सब कुछ उसे बताती है। फिर वो महिला उसकी बात सुनकर बोलती है, बहन, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो, और वैसे भी तुम इस बच्ची को लेकर कहाँ कहाँ बटकोही, और ऊपर से तुम गर्भवती भी हो, इसलिए तुम यहीं रहे लो। और पास में ही लक्ष्मी माता का मंदिर है और मंदिर का पुजारी जी कल ही मेरे से कम के लिए पूछ रहे थे, मैं वहाँ तुम्हारे लिए बात कर लेती, अगर तुम कहो तो। मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करनी होगी, क्या तुम कर पाओगी? हाँ, मैं अपने बच्चों के 2 वक्त के खाने के लिए कोई भी काम करूँगी।